नमस्कार सिंपल होम कुकिंग विद वंदना उमेश में आज आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मिलेट्स पराठा। ये 4 ग्रेन्स को लेकर के हम बनाएंगे। इसमें ज्वार, बाजरा, मक्के का आटा और रागी को मिला करके बनाएंगे। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। मिलेट पराठा बनाने के लिए मैंने ये ज्वार का आटा लेंगे 1 कप, बाजरा का आटा लेंगे 1 कप, रागी लेंगे 1/2 कप और 1/4 कप लेंगे मक्के का आटा। इसमें हम वेजिटेबल डालेंगे। ये बहुत ही इसलिए हेल्दी हो जाता है क्योंकि हम इसमें वेजिटेबल का भी इस्तेमाल करेंगे। ये मेथी है 50 ग्राम्स, पालक है 50 ग्राम्स, कॉलीफ्लावर 100 ग्राम्स लिया था मैंने, इसको हमने धो करके घिस लिया है, और मूली लिया है मैंने 100 ग्राम, इसको भी हमने धो करके अच्छे से घिस लिया है, 4 हरी मिर्च लिया था मैंने, थोड़ी सी धनिया और थोड़ी सी अदरक। इसमें मसाला में हम अजवाइन डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला, ये दोनों 1/1 टीस्पून है, अजवाइन भी मैंने 1 टीस्पून लिया है, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। तो चलिए अभी हम मिक्स करके आपको दिखाते हैं कि कैसे बनाना है। सबसे पहले हम वेजिटेबल को मिक्स कर लेते हैं अच्छा से। मिर्ची, अदरक, धनिया, मसाला में मिर्च, अजवाइन, गरम मसाला, और इसमें हम नमक डालेंगे। नमक डाल के इसको मिक्स कर लेते हैं क्योंकि हमको अंदाज हो जाएगा, क्योंकि सब्जी में पानी छोड़ेगा, जैसे पालक है, मेथी है, ये सब पानी छोड़ेगा, मूली है, तो नमक डालते ही पानी छोड़ने लगता है। तो पहले हम इसको अच्छा से मिक्स कर लेंगे, इससे क्या होगा कि हमको अंदाज हो जाएगा कि कितना पानी डालना है, गीला नहीं होना चाहिए। ये देखिए थोड़ा पानी पानी हो गया है ऑलरेडी। अभी हम इसमें आटा मिक्स करेंगे। ज्वार का आटा 1 कप लेते हैं। बाजरा का आटा है 1 कप। ये बहुत हेल्दी होता है, आजकल बहुत लोग प्रेफर करते हैं ये सब खाना। रागी लेंगे 1/2 कप, ये मेजरमेंट का 1/2 कप है, और ये मक्के का आटा है, ये 1/4 कप लेंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करके देखते हैं हमें इसमें कितना पानी डालना है। इसमें हम गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे। मैंने पानी को बॉयल करके रखा है, बॉयल करके पानी इसमें डालेंगे तो इसमें लस आएगा, अदरवाइज बनाने में मुश्किल होगा आपको। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। थोड़ा थोड़ा डाल के देखें, अदरवाइज गीला हो जाएगा। मेरे ख्याल से और पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, इसी में हो जाएगा।
ये हमारा आटा रेडी हो गया, इसको 10 मिनट रेस्ट के लिए रखेंगे। 10 से 15 मिनट आप छोड़ दें इसी प्रकार से। थोड़ा सा इस पे ऊपर ऑयल डाल देंगे हम। हमारा आटा रेडी हो गया है, अब इसको हम रख देते हैं 15 मिनट्स के लिए। आटा को 15 मिनट्स मैंने छोड़ दिया था, हो गया 15 मिनट्स। ये इसके लिए मैंने बटर पेपर यूज़ किया क्योंकि ये निकालने में दिक्कत होगा। इसके ऊपर थोड़ा सा पेपर के ऊपर मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। थोड़ा सा आटा लगा के आप बेल लें, इससे ईजी होगा, या हाथ से भी आप फैला सकते हैं। देखिए मैंने बेल लिया है, अब सेकने के लिए चलते हैं। इसको इस प्रकार से निकाल के तवा के ऊपर डाल दें। मैंने तवा के ऊपर ग्रीस कर लिया था घी से ताकि वो निकालने में इजी हो। तवा को मैंने पहले से ही गर्म करके रखा था। तो हम उलटते हैं। ये देखिए हो गया है, पलट के मैंने अब घी लगा रही हूँ। इसको अच्छा से लाल सेकना है। इसको मैंने उलट पलट करके सेका है, बहुत ज़्यादा नहीं उलटना है, ये टूटने का डर रहता है। मैंने अच्छे से घी लगा के सेक लिया, अब हो चुका है। हम पीस आउट करते हैं। देखिए इसी प्रकार से दूसरा भी हम बना लेंगे। दूसरा भी इसी प्रकार से सेक लेंगे। दूसरा भी इसी प्रकार से कर रहे हैं। इसको एक बार पलट के फिर घी लगा लगेंगे और इसको अच्छे से सेक लेंगे। दूसरा भी हमारा पक चुका है। देखिए बहुत अच्छा लग रहा है, डिश आउट कर लिया हमने। ये देखिए इसको हम चटनी के साथ सर्व करते हैं। आप चाहे तो कोई भी चटनी खा सकते हैं, ये धनिया का चटनी है। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी लगता है, आप ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो थम्स अप दें, बेल आइकॉन को दबाएं, लाइक करें, शेयर करें। आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।